अब दूसरा सेट शुरू होने जा रहा है। सर्विस आजमगढ़ के पुर्जे और ले लिया अपना खाली स्थान ले करके एनआर के प्लेयर ने सर्विस एक अंक खाता खोला एनआर का। रिसीव चेकआउट कराने के साथ ही ये एक और अंक मिल गया, दो और जीरो। दो एनआर गोरखपुर, जीरो आजमी स्पोर्टिंग क्लब आजमगढ़। बढ़िया डिफेंस करते हुए और ब्लॉक के बीच में गैप रह गया, दोनों खिलाड़ी सत नहीं पाए, हाथ सता नहीं, तो उस गैप का लाभ ले लिया। तीन और जीरो, तीन जीरो वापसी करने के चक्कर में गिरियार गोरखपुर एक सेट जीत कर आगे। आजमगढ़ की टीम बहुत बढ़िया खेल दिखाया, छोटी सी गेंद को हल्के हाथों हिट किया, बीचों बीच सेंटर में डाउन करवाकर अंक ले लिया। अब एक और तीन सर्विस में इस सेट में पहली बार आजमगढ़ के प्लेयर सर्विस हुई अच्छी सर्विस और उतना ही अच्छा रिसीव करते हुए इस तरह से ये हल्की सी गेंद की उन अतुल से एकदम ये चिपकी रही और ये हाथ हिलाते रहे, लेकिन इतनी दूर भी नहीं कि पहुंच ना पावे, इतने पास भी नहीं कि पहुंच जाए। ये ऐसी जहरीली गेंद थी। अब लेफ्ट लाइन के स्पेसर ने हल्के हाथों खेला और जोरदार शॉट लगाया, थर्ड लाइन शॉट, 18 नंबर जर्सी के प्लेयर अतुल। और आदरणीय प्रधान सतलुकपुर फैजान भाई की तरफ से शर्त रखी गई है, हर अटैक लाइन शॉट पे 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और अगर कोई अभी तक हो नहीं पाया है, अगर ऐसा होता है कि होल्डिंग को कोई पार कर दे जमीन में पटक के गेंद को, तो इस बीच एक अंक मिल जाएगा एनआर को। अगर कोई होल्डिंग को पार कर देगा तो 500 रुपए का पुरस्कार प्रधान सतलुकपुर फैजान भाई के द्वारा दिया जाएगा। पैसा रईस भाई के पास जमा है, पैसा वहीं कहीं जमा कर दिया कीजिए आप लोग। तो अब एक अंक इसी बीच में ले लिया आजमगढ़ के प्लेयर ने। आजमगढ़ पहुंच गए हैं तीन पर और रेलवे गोरखपुर पांच। बहुत बढ़िया रिसीव करते हुए और हल्के हाथों खेला था लेफ्ट लाइन के लाइन डिफेंडर ने गेंद को संभाल लिया और नेट में दे मारा आराम से, बिना ज्यादा उत्साह में आ गए थे ऐसी। अगर एनआर की टीम ये मैच जीत लेती है तो 1000 रुपए का पुरस्कार प्रधान गुमा फातिमा जो रमेश गुप्ता जी की ओर से दिया जाएगा। इसी बीच अतुल ने उचक करके शॉट लगाया, उछल करके नहीं, उछल करके जब तक नहीं मारेंगे तब तक ये होल्डिंग नहीं पार होगी। अब आपकी कलाइयों में वो दमखम दिखाई दे रहा है कि ये होल्डिंग जो लगी है कोर्ट से 30 फुट की दूरी पर ये लगाया गया है। तो आप शानदार ब्लॉकिंग आलतमस पकड़े गए और अब छह नितिन, छह और पांच, बहुत उम्दा खेल चलता हुआ छोड़ दिया और खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अंक अर्जित कर लिया। आप गलती नहीं कर सकते, आप जब प्रादेशिक स्तर पे पहुंच चुके हैं तो आपको इस तरह की गलती करने का अधिकार ही नहीं रह जाता है। आप अगर मंडल स्तर पे होते, जिला स्तर पे होते तो बात अलग थी, लेकिन अब तो और आउट मार गए गलती पे गलती। ये दूसरी गलती है, एक ओपन नेट देना और दूसरे सर्विस को आउट मार देना। अब
अंक मिल गया यहाँ आजमगढ़ को। 7 और 6 अगड़े हुए थे तो गलतियां करके पिछड़ गए। जोरदार प्रहार सधे हुए कदमों से 4 नंबर जर्सी के प्लेयर उछल कूद मचाते हुए 8 और 6 एनीआर 8 और आजमगढ़ 6। लेकिन वाह क्या बात है, मौका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और वो जल्दी से हाथ को घुमा करके बाल को बहुत जल्दी से हिट कर गए और कुछ समझ में आवे उसके पहले ही बॉल पॉइंट लेके चली गई। तो अब 7 और 8 सर्विस भाई आजमगढ़, अच्छी सर्विस लेकिन सुंदर रिसीव। और यहाँ बाल देना चाहते थे लेकिन पकड़े गए, धोखा दे नहीं पाए, धोखे में खुद पड़ गए क्योंकि दीवाल थी सामने, भेद नहीं पाए। इसके तुरंत बाद फाइनल हो जाएगा, जो टीम जीतेगी ग्राउंड पे ही रुक जाएगी। दूसरी फाइनलिस्ट टीम आजमगढ़ की, वो लोग तैयार रहेंगे। निहाल आजमगढ़ 8, 9 और 8 सर्विस पे, यानी यार गोरखपुर 8। क्या सर्विस है, 8 क्या साहस है भाई, वाह। जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भाईजान प्रधान जी की ओर से 100 रुपया अधिक लाइन साथ पे, खिलाड़ी वही सामने बैठे हुए प्लेयर से ले लेंगे। और लेना चाहते थे लेकिन अब वो क्या बात है, एकदम पूरा मैदान खुला हुआ था। यानी यार के प्लेयर नेट ओपन 2 बार हुआ है, नेट ओपन कर रहे हैं तो मौका दे रहे हैं 10 और 9। ये शानदार शॉट लेकिन शानदार डिफेंस ब्लॉकिंग, ये कबलून। यानी यार का जो रक्षण है अफेंस में जो ब्लॉकिंग है वो नेट ओपन रह जा रहा है। तो अब बढ़त पे 2 अंकों के साथ आजमगढ़ अतुल का और हेल्पलाइन साहब और 500 रुपए का पुरस्कार अदनान अदनान के लिए 500 रुपए का इनाम आया है। सर्वतवर तो रही ओम दावे डिफेंडेड बाई गोरखपुर और ये नवीन बालियान काम को अंजाम तक पहुंचाया, एक अंक अपने नाम किया नवीन बालियान ने। 10-12 3 पॉइंट का डिफरेंस है। अब तो रहीम की उमदा सर्विस को संभाला गुरु ने और अतुल हिट पर टच आउट कराने में कामयाब मिस्टर अतुल 11-13। मुकाबला लाजवाब है, हार या जीत किसी की हो लेकिन प्रदर्शन बढ़िया हो करते हुए दोनों टीम के फनकार सर्विस शानदार में जबरदस्त रणबीर लगातार सोनू सिंह के हाथों 4 नंबर गेड में अतुल रहीम अंडर आर्म सर्विस अच्छा बड़ा बाल संभली है। सोनू का लंबा ग्रास माइनस बाल, पूरा एडवांटेज लिया नवीन बालियान ने 12-14। लाजवाब मुकाबला है, सारे सिलेंडर ने 15-12-13 मारा। वाह भाई युवराज सर्विस लगातार आपने गवाया। अच्छा सोनू सिंह भाई शानदार बात लगा रहे हैं राइट लाइन के स्पिनर और उनकी मेहनत को कहीं ना कहीं एक धक्का लगता है जब सर्विस फंस रही है, इस पर ध्यान देना होगा। 13-15 सिंगल ब्लॉक नवीन बालियान का, 14-15 फासला सिमरता हुआ, पांगरी स्टोरियां नजदीक होती हुई। अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच,
सर्विस से टाई लाइन के बाहर 16-14 भाई निहाल गलवासंदर फाइनल मुकाबले के बिल्कुल तैयार रखे। जीतने वाली टीम ग्राउंड पर बने रहेंगे। उनके प्लेयर अतुल टारगेट पर और एक पॉइंट और 17-14 अलहम कुसर सारा सोनू ने बाल अभी भी हवा में है। बहुत ही दिलकश ड्रॉ 16-14-18-14 अलहम सर्वेश्वर बढ़िया दिलचस्प मुकाबला। लवली सर्विस बट नेट कॉन्टेक्ट डिफेंडेड बाई अलहम। जीशान का सिंगल ब्लॉक दिया अतुल ने 16-18 बढ़िया मुकाबला। दोनों टीमों के बीच चलता हुआ दूसरा सेट है। अलहम ने आगे बढ़ाया। अब्दुल रहीम टुअल तमाश टच आउट का चक्कर नाकाम किया। बाल संभली राइट हैंडर के लिए और बहुत प्यारा हाथ लूज रनिंग शॉट बाय इस्माइल सराफ गोरखपुर 17-18-17-18। धीरे धीरे कहानियां बदलती हुई मुकाबले की दूसरे सेट की। इसके बाद निहाल की टीम तैयार रहेगी। फाइनल मुकाबला तुरंत शुरू होगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। अब्दुल रहीम और याल तमाश ज्वाइन ब्लॉक नाउ स्कोर 18-18। तालियां बजाकर स्वागत कर दो टीमों का स्कोर बराबर। फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाई आजमी स्पोर्ट्स क्लब आजमगढ़ 18-18 बराबर। जरा से गलती यहां से कोई भी टीम अगर करती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। चौकन्ना रखना होगा दोनों टीम के खिलाड़ियों को कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर अगले गुलजार होता है। या यूं कह दो कि जब टूटने लगे हौसला तो बस याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होता और अंधेरे में ढूंढ ही लेता है अपनी मंजिल। जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। इस हौसले के साथ दो गेम को अपने फन का मुजाहरा करना होगा। जी शुक्रिया। डिफेंडर भाई अलहम और ये मोहसिन कि जज्बाए शौके शहादत से क्या वास्ता। जब हथेली पे हमने है सर ले लिया और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। 19-18 लकली सर्विस 20-18 फिर से सितारा गर्दिश में गोरखपुर के खिलाड़ियों का। संकट में आता हुआ गोरखपुर 8-21-18 21-18 अलहम सर्विस बड़ी प्यारी सर्विस। अतुल बाल कंट्रोल में एक ने आगे बढ़ाया और इस बार बढ़िया क्रॉस बाल समरी। अतुल का हमला कामयाब हाथ 19-21 19-21 कौन जीतेगा कौन हारेगा कहानियां सस्पेंस में है। डिफेंडेड और ये मोहसिन बाल संभली है राइट हैंडर के लिए। बाल अभी भी कंट्रोल में उछाली गई। मोहसिन टच आउट कराने में कामयाब 22-19 अलहम सर्विस 22-19 भाई निहाल क्लब आजमगढ़ फाइनल के लिए बिल्कुल तैयारी कर लें। डिफेंस और याल तमाश अंडर नेट ट्राई करते हुए 20-22
और इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में अपना असीम सहयोग प्रदान करने वाले आदरणीय हम लोगों के बीच में रहती हैं, जिन्होंने 51,000 रुपए का भारी भरकम सहयोग देकर के जी डिफेंडेड। और ये आल तमश का उनका मान समझिए, लंबा क्रॉस बाल को आगे बढ़ाए खिलाड़ी ने, और ये आल तमश 23 against 20 आजमी स्पोर्ट्स आजमगढ़ सर्विस और इस साथ प्रधान रत्नपुर फैजान भाई ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। रईस से आप संपर्क करके ले लेंगे और 21-23 अंकों पे एक तगड़ा मुकाबला चलता हुआ। खिलाड़ी बहुत ज्यादा डिस्कशन ना करे प्लीज। 21-23 टाइम आउट डिपेंडेड बाई अलहम और यल्तमश लाजवाब ड्राइव, अच्छा बचाओ और इस तरह से 22-23 क्या शानदार मुकाबला। 22-23 मुकाबला बहुत करीब पहुंचता हुआ, कोई टीम मौका चूकना नहीं चाहती है फाइनल के लिए। दोनों टीमें अपने आप को सब कुछ झोंक कर और बाल संभली है राइट हैंडर के लिए है। और उसी के साथ 23-23 की बराबरी पर पहुंचा दिया। जोरदार तालियां हो जाए भाई, जोरदार तालियां हो जाए। 23 एनआर गोरखपुर और 23 आजमगढ़ बहुत बढ़िया खेल दिखाते हुए दोनों टीमों के शाबाश। डिफेंस तो नहीं पाई, यहां दोनों सिंह जो हैं कहीं ना कहीं बॉल पर बहुत तो गए थे लेकिन सही टाइमिंग के साथ उनका हाफ नहीं आया, इसलिए क्या ये डिफरेंस ऑफ टू में जाएगा मुकाबला। मौका तो है एनआर के पास, मौका तो है और हो गया डिफरेंस ऑफ टू हो गया। जोरदार तालियां हो जाए। अब 26 बनाएगा जो पहले वो जीतेगा। और जैसा कि पहले ही रमेश गुप्ता जी प्रधान जी ने कह रखा है एनआर जीतेगी तो 1,000 का पुरस्कार, तो अब बहुत बढ़िया डिफेंस करते हुए जोरदार ही दोनों ओर से अपना ये मौका पकड़ लिए गए। जबरदस्त ब्लॉकिंग, जबरदस्त रक्षण करते हुए एक पॉइंट सर्विस पे। अब आजमगढ़ 25 और 24, एनआर गोरखपुर आंखों आंखों में इशारा करके गोरखपुर के बूस्टर ने एकदम बीचों बीच सेंटर में बॉल को डाउन करवा दिया और 25-25 की बराबरी पर दोनों टीमें 25-25 तालियां हो जाए जोरदार। सर्विस ये आजमगढ़ के प्लेयर क्या खेल दिखाया है और कहीं ना कहीं 23-24 25-24 और 26-25 ये तीनों बार आजमगढ़ ही आगे रहती है लेकिन यहाँ एनआर क्या मौका बना पाएगी फिर से और मौका बना दिया। ये ऊंट किस तरफ बैठेगा भैया, सही फाइनल मुकाबला यही है, हाई वोल्टेज ड्रामा जो आप लोगों के बीच में दोनों टीमें एकदम माहौल बना करके खड़ा कर दिया है। अब मौका आया है एनआर के पाले में, क्या होता है। 27-26
अब आजमगढ़ के पाले में थोड़ा सा सन्नाटा है, लेकिन आजमगढ़ है वो अपना मौका छोड़ते नहीं है। देखना है क्या होगा। आउट मार गए 27-25 के अंतराल से।